नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। भाजपा की सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह सिकरवाल ने सभा को संबोधित करते हुए मूल सिंह दादा भाई के पुत्र हीरेन सिंह बंटी बना के भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। इस मौके पर हीरेन सिंह बंटी बरा ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने निर्णय का लोगों को अवगत कराया। मुझे ये कहीं भी किसी भी गांव में जाए जूतों की माला पहनाना, क्या बंटी बना किसी के जूतों की माला पहनेगा? इसके बाद क्या मुझे वहां रहना ठीक था? तो सबसे अच्छा मार्ग मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, तो वो भी मैं महाराज के साथ काम करूं, क्योंकि महाराज की कार्यशैली जब ये कांग्रेस में थे जब भी इनकी कार्यशैली का मैं कायल था, लेकिन क्योंकि स्थिति अलग थी, हम गुना में काम नहीं कर पाते थे, यहाँ रहना पड़ता था, विभाजन था। अब मैं फिर महाराज की सेवा में तत्पर पूरा जीवन निकाल दूँ। अब कोई ये कहे ये विभीषण है, कोई कहे इनका काम नहीं था, तो मुझे कभी किसी से कोई काम के लिए से नहीं पड़ा। मेरा काम जब भी रहा है देश की जनता के काम के लिए मैं किले पर गया हूँ, और अगर मेरे लिए परिवार का काम नहीं होता बिल्कुल भी पसंद नहीं। महाराज साहब जो आपके सामने जनता है, जनता नहीं, ये मेरा परिवार है और आपका भी परिवार है। जहाँ महाराज आपका पसीना करेगा वहाँ मेरा एक एक कार्यकर्ता खून गिराने को तैयार रहेगा। अब हम सब स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं है। मैं इस मंच से आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी से डरने की दबने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ। आप सब लोगों को शायद ये पता होगा कि किसी का भी फोन बंद होता होगा रात में, सभा को संबोधित करते हुए मोदी जी की योजना की बात करते हुए जमकर कांग्रेस की खिंचाई भी की। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि जो देश पूरे विश्व से आयात करता था 50-70 वर्षों के लिए, वही भारत से निर्यात कर रहा है टीकों का, पूरे विश्व को टीका दिला रहा है। और जो लोग आलोचना करते थे ना पिछले दिनों में, वही लोग भागे भागे जा रहे हैं। कुछ लोग तो